सो हरे कृष्ण ऑल माई फ्रेंड, दिस इज कृष्ण नमन सोंदिया एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब अकाउंट अगेन. सो नाउ टूडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट वॉट शुड वी यूज टू फॉर द ग्लोइंग स्किन एंड द मॉइस्चराइजर स्किन इन द समर. सो टूडे वी आर कम बैक विद दैट प्रोडक्ट विच विल हेल्प यू टू reduce wrinkles, not wrinkles for the dry skin, for the free dry skin. And जो हम ठंडियों में जो हमारी जो problem होती है mostly हम body lotion वगैरह जो use करते हैं for the face, for the our body, my body के लिए and face के लिए. So mostly I have a one product which will help you to reduce that kind of shrug. Today we are going to talk about Oxyveda Honey and Almond Nourishing Skin Cream. So guys, मार्केट में देर इज़ अ लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ द मॉइस्चराइजर क्रीम एंड नरिशिंग क्रीम एंड हर्बल ट्रीज जो कि मैंने ऑलरेडी उसका यूज़ किया है, बट उसमें उतना मॉइस्चराइजर एक या टू हावर्स तक ही स्टे रहता है एंड दैट इज गॉन. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑक्सी आयुर्वेदा, सो इसका मैंने सच में यूज़ किया है, स्टिल आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट अप विथ लाइव विथ यू एंड आई विल ऑल्सो टेल यू टू हाउ टू डू दिस मसाज विथ इट. ओके, बिकॉज यस्टरडे लास्ट नाइट ही आई जस्ट यूज एंड डू मसाज विद दिस क्रीम एंड इन द मॉर्निंग माई स्किन इज ग्लोइंग, टू बी इज ग्लोइंग बिकॉज मैंने जो भी इसका जो क्रीम का था उससे अच्छे से अपनी स्क्रीन में मसाज की मसाज करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे करना है. ओके, एंड इसको लगा के भी दिखाता हूँ. इसका जो मॉइस्चराइजर था एंड द नरिशमेंट था वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है. ठीक है, अदर्स की बात करें तो अदर्स का ओनली आई नो दैट यू नो हर्बल ट्री के भी ऐसे ही बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं कुछ ग्राम्स 500 ग्राम्स एवरीथिंग. तो उनका जो यूज़ था उसमें जो भी जो मॉइस्चर होता है हमारे स्किन पे वो बहुत ही जल्दी गायब होता है, तो वो मुझे उतना खास लगा. पर इसका जो कि है मैं इसको अपने फेस में भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसको बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस. सो इस अमाउंट मैंने ले लिया है. सो सबसे पहले मैं इसको अपने फेस में रबिंग करूँगा, जेंटली मैं इससे थोड़ी सी मसाज करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट इसको मैंने अपने फेस में अच्छी तरह से लगाया है, नेक पे भी करिएगा. और जब आप नहा के बाहर निकले तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा. ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक का बना रहता है हमारे स्किन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और नरिशमेंट देता है, और इससे ना जल्दी रोग ही हमारी स्किन नहीं पड़ती है गाइस. सो आप इसको अच्छी तरह से अपने स्किन टू द ऑल द बॉडी यू कैन यूज. अब आप कुछ इस तरीके से जो अपने फेस में हैंड को इस तरीके से मसाज करिए ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो. और अगर गाइस आप ऐसे डायरेक्टली लगा के डायरेक्टली बाहर जाएंगे तो जितना भी पॉल्यूशन होगा वो आपके स्किन में आ जाएगा, इसलिए अगर वो अच्छी तरीके से आप इसको मसाज करके एब्जॉर्ब कर देते हैं तो वो अंदर तक का बिल्कुल चला जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. और मेकअप लगाने से भी, अस विंटर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर स्किन होना, हाइड्रेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज अगर हाइड्रेट नहीं होगी तो वो ऑक्सीडाइजेशन होके ड्राई कर देगा और ग्रे कर देगा. सो बहुत ही अच्छे से आपको ये एवरीडे फॉलो करना है, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं. आप इसको अच्छी तरीके से मसाज करेंगे और फिर आप इसको लगा के सो जाएंगे. सो गाइस दिस इज माय नाइट रूटीन. आपको अच्छे से पहले वॉश करके आना है फेस. ओके, वॉश करने के बाद आपको थोड़ी सी क्रीम लेना है और उसको लगाने के बाद थोड़ी सी मसाज करेंगे. और अगर आप इफ़ यू आर डूइंग मेकअप सो यू हैव टू डू द सेम. ओके, सो यू कैन सी माई फेस इज ग्लोइंग. ओके, विदाउट एनी ओनली जस्ट यूजिंग दिस. तो आपको इसी जैसा मॉइस्चराइजर, इसी जैसा ग्लोइंग स्किन चाहिए है तो आप प्लीज़ यूज़ दैट ऑक्सीग्लो आयुर्वेदा या एनी मॉइस्चराइजर. बहुत सारे वैसे बहुत सारे मेरे पास लोशंस वगैरह हैं, पर मैं आपको बताऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, बट अभी के लिए वी हैव टॉक अबाउट द ऑक्सीवेदा विच इज़ रियली रियली गुड इन सम इन विंटर्स. इट वुडेंट बी एनी हार्मफुल स्किन. सो इसको लगाने के बाद आपको कोई भी रैशेस वगैरह नहीं होने वाला है. ओके, ओनली नरिशमेंट मिलेगा अच्छा खासा फॉर द होल डे लॉन्ग. सो प्लीज़ यूज़. एंड इसका जो प्राइस है वो 250 है, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा. सो प्लीज़ यूज़ इस विदाउट कोई बिना किसी यू नो आप कोई भी
जो अच्छा ब्रांड है वो ही यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भी मिलते हैं ऐसे लोकल वगैरह, तो मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ टू यूज़ ऑक्सी आयुर्वेदा विच इज़ रियली रियली गुड. ओके, आप खुद भी बोलेंगे हाँ कि हाँ ये अच्छा है. एंड अगर आपने यूज़ किया तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट ऑफ दिस द रिव्यू ऑफ इट. सो प्लीज़ बिलो. Thank you, Hare Krishna. And if you really, really like this video, so please do not forget to like, comment, and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you, Hare Krishna. As well as do not forget to follow me on YouTube as well as Instagram. Thank you, Hare Krishna.